अब आपने ये देखा कि जब आप ये क्रियाकलाप कर रहे थे जब पहली वाली क्रियाकलाप हम कहा गया था कि आपको दोनों उंगलियों को अलग अलग डायरेक्शन में घुमाना है तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि आ, किस 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 दिशा में घुमाना है तो इस तरीके से जो आपका राइट वाला जो था वो लेफ़्ट वाले को कंट्रोल कर रहा था लेफ़्ट वाला जो था वो राइट को कंट्रोल कर रहा था अब आपने उसको डायरेक्शन अलग अलग बता रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है इसी तरह से एक और एक्टिविटी जब हमने की कि बीच में बच्चा बैठा है उसकी आंखों में पट्टी लगी है, और चारों दिशाओं से जो है तालियों की आवाज़ आती है तो उसको पहचानना रहता है कि कौन से डायरेक्शन से वो आवाज़ आ रही है तो जब वो दाएं या बाएं से आती आवाज़ तब उसकी उसको पहचान हो जाती है क्योंकि दोनों कानों में अंतर है तो दोनों कानों में अंतर है मान लो दाएं से आ रही है तो उसके दाएं कान में पहले वो आवाज़ पहुंचती है तो दाएं कान दाएं साइड से कर रहे हैं तो दाएं में पहले पहुंचेगी तो पहचान जाते हैं कि दाएं साइड से आ रही है अगर बाएं साइड से ताली की आवाज़ आ रही है तो बाएं कान में वो आवाज़ पहले पहुंचती है क्योंकि दोनों कानों में डिस्टेंस थोड़ा सा है तो पता चल जाता है लेकिन आगे और पीछे से आने वाली आवाज़ में आपने देखा होगा या गौर किया होगा तो उसमें भ्रम की स्थिति पहुंच जाती है क्योंकि आगे से भी आने वाली आवा, आवाज़ जो है दोनों कानों में डिस्टेंस ना होने के कारण समान दूरी पर होने कर के कारण वो वहाँ पर पहुंच रही है तो वो या पीछे से भी हम बात कर लें तो दोनों कानों में पीछे से जो आवाज़ आ रही है एक ही समय पर पहुंच रही है तो जिसके कारण भ्रम की स्थिति हो जाती है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है तो कभी कभी हमारा ब्रेन जो है मिली जुली ये प्रतिक्रियाएँ दे, देता है तो और जो है हम कई क्रियाकलापों के माध्यम से हम ब्रेन के फंक्शन को उसकी प्रतिक्रिया को समझ पाते हैं क्या आप जानते हैं हमारे देश में मस्तिष्क संबंधी वर्तमान शोध कार्यों से जुड़ी डॉक्टर शुभा तोले ने मस्तिष्क के विकास का व्यापक अध्ययन किया है और कुछ अनैच्छिक क्रियाओं एवं स्मरण संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक आनुवंशिक की पहचान की है इसके लिए उन्हें विश्व भर में ख्याति प्राप्त हुई है उन्हें हमारे देश में सन 2010 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से नवाजा गया है डॉक्टर शुभा तोले मुंबई के टाटा अनुसंधान केंद्र में अभी भी कार्यरत हैं अब हम सूचनाओं का आवागमन जिसमें उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया कैसे होती है उसको देखते हैं बच्चों अभी तक हमने दो प्रकार की क्रियाओं को देखा एक ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक ऐच्छिक में हमने बात की जिसका कंट्रोल जो है ब्रेन के द्वारा डायरेक्टली होता है और अनैच्छिक में भी होता तो है लेकिन इनडायरेक्टली होता है यानी पहले जो है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा वो कंट्रोल होता है उसके बाद फिर ब्रेन के द्वारा तो अनैच्छिक भी जो है वो दो प्रकार की होती हैं आगे हम इसको देखते हैं कि आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता से संबंधित एक अनैच्छिक क्रिया है जो मेडुला ओब्लंगटा के द्वारा नियंत्रित होती है जो हार्ट बीट से संबंधित है यानी हार्ट बीट का कंट्रोल जो है ये आंतरिक अंग है आप जानते हो इसका कंट्रोलर कौन होगा मेडुला ऑब्लंगटा होगा ये भी अनैच्छिक है पर आप इससे इसको नहीं जोड़ेंगे कि इसका कंट्रोल जो है स्पाइनल कॉर्ड को होता है इसलिए यहां ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोलर या नियंत्रक कौन है तो अभी जैसे हम हार्ट बीट की बात कर रहे हैं तो इसका कंट्रोलर कौन होगा मेडुल ऑबलंगाटा होगा और दूसरी और अनैच्छिक क्रियाओं की हम बात कर रहे हैं तो बाहरी अंग के द्वारा कोई उद्दीपन होता है उसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो उद्दीपन के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वो उसका कंट्रोलर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारे शरीर में कई सूचनाएं मिलती रहती हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं तो इनको हम कहते हैं इन सूचनाओं को जो हमको मिल रही हैं हम इनको उद्दीपन कहते हैं और यदि इसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं तो नुकसानदेह भी हो सकता है जिसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं कि गर्म बर्तन पर यदि हमारा हाथ लग जाता है तो तुरंत हट जाता है या लड़कियां या माताएं है जो हैं जब रोटियां पकाती हैं तवे में जब कभी हाथ लग जाता है तब भी हाथ हट जाता है या मोमबत्ती जल रही है तो अचानक से कभी हाथ लग गया तो भी हमारा हाथ हट जाता है और एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपको कभी चलते हुए कांटा चुभ जाता है पैरों में या पिन चुभ जाती है हाथों में तो भी हाथ हट जाता है तो ये जो तुरंत जो हाथ हट जाता है उसमें कौन सी क्रिया होती है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मैंने पहले भी कहा कि परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन आता ही है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है इसको आप डायग्राम के थ्रू समझाइए तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो कोई भी गर्म वस्तु हो सकती है आप इसमें कैंडल भी बना सकते हो चूल्हा भी बना सकते हो जो भी आपको समझ में आता है तो वो आप बना सकते हो और आ, सिंपल होता है कैंडल आप जलती भी दिखा देंगे उसमें गर्म हाथ यदि लग जा रहा है तो हाथ हमारा क्या है संवेदी अंग है हाथ की त्वचा संवेदी अंग है हमने संवेदी अंग की पहले भी बात कर चुके हैं तो संवेदी अंग से संवेदी तंत्रिकाएं यानी कि सेंसरी नर्व्स जो हैं ये उद्दीपन को यानी जो मैसेज मिला उसको कहाँ लेके जा रही है स्पाइनल कॉर्ड ले जा रही है यानी मेरुरज्जु तक ले जा रही है फिर मेरुरज्जु से वापस प्रेरक तंत्रिकाएं हैं यानी मोटर नर्व्स हैं वो मैसेज को लाएंगी कहाँ लाएंगी हाथों की मसल्स टिश्यू यानी कि वहाँ की जो मांसपेशियों के जो ओतक है वहाँ तक लेगी और वहाँ से फिर वो प्रतिक्रिया होगी हाथ हट जाता है तो हुआ क्या कि गर्मी का उद्दीपन बर्तन से हाथों तक पहुँचा वहाँ के संवेदी अंग कहाँ लेके गए मेरुरज्जु तक लेके गए मेरुरज्जू से प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा हाथों की मसल्स तक सेंसेशन आया मैसेज आया मैसेज क्या आया कि हाथ को हटाना है अब ये प्रतिक्रिया बहुत ही कम समय में होती है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं लगता है लेकिन ये क्रिया होती है और इसकी सूचना जो है ऐसा नहीं है कि ब्रेन को नहीं पता चलता एक्शन हो जाता है उसके बाद ब्रेन को पता चलता है कि ये प्रतिक्रिया हुई ये देखिए कि प्रतिवर्ती क्रियाओं में स्पाइनल कॉर्ड का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट रोल है कि आप देखिए इसमें ब्रेन का जो अपना सोचने समझने की प्रक्रिया या कुछ और विचार करने की प्रक्रिया बाधित नहीं होती वो अपना चलते रहती है स्पाइनल कॉर्ड ने जो भी एक्शन था उसके अपोजिट रिएक्शन हो गया काम हो गया बाद में ब्रेन को बताया जाता है कि हाँ ये हुआ तो इससे ब्रेन पर जो है वो अतिरिक्त भार या कार्यभार कहना चाहिए वो नहीं पड़ता है और उसका कार्य अपना तरीके से चलते रहता है और बाकी क्रियाओं का जो है वो स्पाइनल कॉड जो है वो कंट्रोल कर लेता है तो अब हम एक और चीज़ की बात करते हैं कि आपने क्रियाकलाप वन को याद करिए जिसमें हमने छड़ी की बात की थी कि छड़ी एक बच्चा जो है वो ऐसा करके रखेगा और दूसरा जो है छड़ी को गिराएगा और फिर वो पकड़ेगा तो इसमें हमने बात की थी कि ये प्रोसेस में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं तो पहली बात तो आँखों से देखना दूसरी बात कानों से सुनना और तीसरी बात हाथ से पकड़ना तो जब वो बच्चा बोलता था कि छड़ी वो छोड़ने वाला है तो वो दूसरा बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता था तो अब इसका इस क्रियाकलाप में देखें तो ये सूचनाएं कैसे उसका आवागमन कैसे हुआ उसको एक फ्लो चार्ट से समझने का प्रयास करते हैं तो जैसे हमने यहाँ दो अंगों की बात की थी कि कानों से सूचना को सुना गया मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसको सुना गया आँखों से देखा गया तो इसमें दो अंग शामिल हुए फिर आगे भी एक और अंग शामिल होगा हाथ होगा वो बाद में बात करेंगे कि कानों से सुना गया और आँखों से देखा गया ये दोनों सूचनाएँ कहाँ गई ब्रेन गई आप जो एरो का निशान देख रहे हो ये कहाँ पर सूचनाएं है गई हैं पहले ब्रेन में गई हैं ब्रेन के बाद आप देख रहे हो मेरुरज्जू यानी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंची उसके बाद प्रेरक तंत्रिकाओं से आप देख रहे हो कि हाथों की मसल्स यानी हाथों की मांसपेशियों तक वो पहुंचती है बाद और फिर वो एक्शन रिएक्शन जो भी होता है यानी उस छड़ी को जो पकड़ा गया कि जब ये ब्रेन से जब ये आदेश मिला कि हाँ अब पकड़ना है कानों से सुना आंखों से देखा अब पकड़ना है ब्रेन ने ये ऑर्डर दिया अब पकड़ना है तो वो हाथों से वो उसको पकड़ा गया तो इस तरीके से ये सूचनाओं का आवागमन होता है और हमने ये प्रतिवर्ती क्रिया की भी बात की तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है उसको कैसे डायग्राम के थ्रू इसको पेश करना है और प्रतिवर्ती क्रिया ही यही है या रिफ्लेक्स आर्क भी इसको कहते हैं तो कैसे उसका डायग्राम के थ्रू आप शो करेंगे तो सबसे पहली बात आप बात करेंगे कि क्या है इसमें आप देख रहे हो कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके बाद संवेदी अंग है संवेदी अंग के बाद जो है स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंची स्पाइनल कॉर्ड में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ वहाँ तक सूचना पहुंचती है उसके बाद प्रेरक तंत्रिका होती है प्रेरक तंत्रिका से सूचनाएं लाई जाती हैं और फिर ये जो है इफेक्टर अंगों तक यानी प्रभावी अंगों तक प्रभावी अंग क्या रिएक्शन करेंगे वो कार्य किया जाता है तो इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से आप इसको पेश कर सकते हैं तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के और उदाहरण भी हम देख लेते हैं जैसे स्वादिष्ट खाद खाद्य पदार्थों को देख कर आपके मुँह में पानी आ जाता है जैसे गोलगप्पे को देख कर मुँह में पानी आ जाता है या कोई मीठी चीज को देख कर आ जाता है या कोई खट्टी चीजों को देख कर आ जाता है तो और भी इसके उदाहरण हैं जैसे तेज प्रकाश में नेत्र पलकों का बंद हो जाना या उबासी या छींकना ये भी प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण हैं तो आप इन उदाहरणों के द्वारा इस प्रतिवर्ती क्रिया को आप समझा सकते हैं जिसका कंट्रोल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है तो अब हम इसके महत्व की बात करते हैं ये तो अत्यधिक कम समय में ये हो जाती है प्रक्रिया और बहुत तीव्र गति से होती है और ये सोचें कि जब ये क्रिया होती है तो मनुष्य जो है अपनी रक्षा बिना सोचे समझे अत्यधिक कम समय में वो कर लेता है जैसे गर्म चीज़ों पर हाथ लग रहा है तो तुरंत हट हाँ जा हट हाँ जा रहा है तो ज़्यादा नुकसान होने से वो बच जाता है और फिर हमने ये बात की थी कि मस्तिष्क पर जो कार्यभार है उस पर भी वो कम आ, हो जाता है या वो अपने जो भी उसके कार्य चलते रहते सोचने विचारने समझने का चलता है वो निर्बाध गति से चलता रहता है तो ये काम स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा संचालित हो जाता है तो अभी हमने ये बात की कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के द्वारा और तंत्रिकाओं के द्वारा किस तरीके से नियंत्रण एवं समन्वय होता है? क्या आप जानते हैं कई बार डॉक्टर घुटने के जोड़ पर रबर की हथौड़ी से हल्की चोट कर दर्द और दबाव के अनुभव का पता लगाने की कोशिश करते हैं यह दर्द और दबाव पेशियों से संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा मेरुरज्जु तक फिर मेरु रज्जु से प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा पैरों की पेशियों तक पहुंचता है संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं में सीधा संपर्क द्वारा होता है पैर के ऊपरी हिस्से की पेशियों में संकुचन व निचले हिस्से में फैलाव होने से पैर एक झटके से आगे की तरफ उछलता है मेरु रज्जु से सूचना मस्तिष्क तक अन्य तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचती है और दर्द का अनुभव होता है इस प्रकार की कुछ अन्य प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण सोचकर लिखें। अचानक सुई चुभने से हाथ एक झटके से हट जाता है इस प्रतिवर्ती क्रिया में कौन कौन से अंग काम कर रहे हैं सूचनाओं के आवागमन का मार्ग बनाएं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ भी हैं जो हमारे शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं ये रासायनिक पदार्थ जो हैं जिनको हार्मोन कहते हैं ये प्रोटीन पदार्थ होते हैं तो इनका कैसे नियंत्रण होता है या समन्वय होता है हमारे बॉडी में इसको अच्छे से हम समझने का प्रयास करते हैं तो जैसे ये हम रासायनिक पदार्थों की बात कर रहे हैं यानी हार्मोन की बात कर रहे हैं ये प्रोटीन पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में पहुँचते हैं और रक्त में पहुँचते हैं और रक्त के द्वारा विभिन्न हिस्सों पर पहुँच पहुँचते हैं और फिर उनका उसके द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है तो हार्मोन जो शब्द है ये एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब या कहना चाहिए अर्थ जो है वो गति प्रदान करना है तो ये जो किसी क्रिया को क्या करते हैं स्टार्ट नहीं करते आरंभ नहीं करते हैं ये गति प्रदान करते हैं उसकी क्रिया को गति देते हैं और विभिन्न अंगों की गतिविधियों के बीच जो है ये जोड़ने वाला ये प्रमुख एजेंट होता है सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ कहने वाले हैं ये हार्मोन जो हैं जो जब ये इनका जो श्रवण होता है या कहना चाहिए जब ये बहते हैं तो ये डक्टलेस ग्लैंड हैं यानी कहना चाहिए नलिका विहीन ग्रंथियाँ हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जिनके द्वारा ये श्रवित होते हैं सीधे सीधे ये ब्लड में सीक्रेट हो जाते हैं जैसे हमने कुछ आ, और पहले ग्रंथियों की बात की होगी या जैसे पाचक तंत्र आपने पढ़ा होगा तो उसमें स्लावरी ग्लैंड्स होती हैं ग्लैंड्स में डक्ट होती है तो वो डक्ट के जर, जरिए जो है वो श्रवण या रस जो है या एंजाइम जो है वो टारगेट ऑर्गन तक वो पहुँचता है हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड जिनके द्वारा ये हार्मोन सिगरेट होते हैं ये ग्लैंड जो होती हैं डक्टलेस ग्लैंड होती हैं जिनका श्रवण जिनका हार्मोन सीधे ब्लड में सीक्रेट होता है तो ये गतिविधियों और टारगेट अंगों के बीच जो है विभिन्न अंगों की गतिविधियों के बीच जो है ये उसको जोड़ने का ये प्रमुख एजेंट होता है अब जहाँ पर ये हार्मोन स्थल जिस स्थल पर ये सीक्रेट होते हैं उसको प्रभावक कहते हैं या इफेक्टर्स कहते हैं जिस स्थल पर इसका कार्य होता है यानी हार्मोन जहाँ पर ये कार्य करता है उसको कहते हैं लक्ष्य या टारगेट कहते हैं और इसकी जो है बहुत सूक्ष्म मात्रा जो है उसका उपयोग होता है यानी कहना चाहिए अल्प मात्रा ही इसकी लगती है जैसे आपको याद होगा एंजाइम जो है बहुत अल्प मात्रा में ही काम करते हैं बेबी प्रक्रिया को जो है उसकी दर को बढ़ाते हैं अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो कौन कौन सी हैं हमारे शरीर में और उनके द्वारा स्रावित या सीक्रेटेड कौन से हार्मोन हैं उन हार्मोन का काम क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते ही हैं तो यदि हम कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है उनकी बात करें तो आप ये जैसे देख रहे हो कौन कौन सी ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है आप हाइपोथैलेमस देख रहे हो पिटूटरी ग्लैंड uh, दिखाई दे रही है पीनियल बॉडी है ये भी एक एंडोक्राइन uh, ग्लैंड है थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड है पैनक्रियास है एरिजिनल है ओवरी टेस्टिस है एंड प्लेसेंटा हमने ये जो आप uh, देख रहे हो देख uh, लिखा जो या चित्र में आप जो देख रहे हो अब ओवरी की बात करते हैं तो ओवरी जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये कहाँ पर किस में मिलेगा ये फीमेल में मिलेगा तो फीमेल में ओवरी रहेगा वो एंड्रोक्राइन ग्लैंड और मेल में क्या रहेगा टेस्टिस रहेगा और प्लेसेंटा कहाँ रहेगा ये भी फीमेल में रहेगा प्लेसेंटा आपको याद होगा भ्रूणी अवस्था में जो भ्रूण और मदर के बीच का जो कनेक्शन है वो प्लेसेंटा के द्वारा होता है तो ये हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड की बात अब इससे श्रवित होने वाले हार्मोन्स कौन से हैं और उनका फंक्शन क्या है उसको हम देखेंगे तो बच्चों हार्मोन्स जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में बनते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड में ग्लैंड में बनने के बाद ये ब्लड के ब्लड वेसल्स में आकर ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों या भागों तक पहुंचते हैं और लक्ष्य अंगों में पहुँच उसको वो प्रभावित करते हैं प्रभावित किस तरीके से करते हैं उन कोशिकाओं को जैसे वहाँ की उपापची क्रियाएं हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वृद्धि है विकास प्रजनन या ब्लड प्रेशर या रक्त में विभिन्न पदार्थों का उचित मात्रा में संतुलन होना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है इसको हम आगे देखेंगे कि ब्लड में आप जानते हो कभी कोई बीमारी आ जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या कहता है कि टेस्ट कराओ ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट कराओ इसका मतलब है कि ये देखा जाता है टेस्ट में कौन से पदार्थ जो हैं अधिक या कम हो गए हैं तो इसलिए ब्लड के कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिनमें उसकी मात्रा जो है वो उचित मात्रा होनी चाहिए यानी संतुलित होना चाहिए अगर ये कम ज़्यादा होती है तभी जो है शरीर में गड़बड़ियाँ चालू हो जाती हैं तो इसलिए हम जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं ना कि हार्मोन्स जो है ये भी ध्यान हार्मोन्स के जरिए ये भी देखा जाता है या नियंत्रण या समन्वय किया जाता है कि वो मात्रा जो है उचित मात्रा में होनी चाहिए रक्त में विभिन्न पदार्थों का जो लवण है उनका संतुलन होना चाहिए तो ये सब चीज़ों का नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा हो रहा है हार्मोन के द्वारा हो रहा है एक रासायनिक पदार्थ के द्वारा हो रहा है ये हार्मोन जो कहाँ सीक्रेट हो रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट हो रहे हैं और है रक्त के द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुँच रहे हैं एक बात गौर करने वाली है कि जब ये ब्लड के द्वारा पहुंचे जा रहे हैं हार्मोन अभी हमने बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये हार्मोन का सिक्रेशन कर रही हैं तो ब्लड में तो सभी तरह के हार्मोन्स आ गए तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सभी हार्मोन्स सभी कोशिकाओं उत्को अंगों में पहुँच जाएंगे लेकिन जो टारगेट सेल्स हैं मतलब जो उनकी जो लक्ष्य की कोशिकाएं हैं यानी हार्मोन वहाँ पर पहुंचकर अपनी टारगेट सेल को ही प्रभावित कर सकते हैं या उस पर ही उनका असर होता है या उस पर ही वो अपना काम करते हैं तो ब्लड में तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं लेकिन वो जिस हार्मोन जहाँ पहुँचना है तो उसका टारगेट सेल क्या है वो उसी सेल्स पर ही काम करेगा उसी सेल को ही वो प्रभावित करेगा या नियंत्रण करेगा या उसका समन्वय करेगा जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट हो रहा है उसका फंक्शन क्या होगा वो ग्रोथ हार्मोन है मेटाबॉलिक रेट को वो नियंत्रित करता है तो वो मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रण करने के लिए वो टारगेट सेल तक पहुंचेगा वो उसी को प्रभावित कर सकता है तो इस तरीके से नियंत्रण एवं समन्वय जो है इन हार्मोन्स के द्वारा होता है हमने देखा अब क्वेश्चन ये भी आता है कि हारमोन क्या है आप को इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हो या क्वेश्चन जैसे आ रहा है तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो तो इसको हम देखते हैं कि हार्मोन जो है अंत ग्रंथियों द्वारा अल्प मात्रा में श्रवित होने वाले विशिष्ट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो रक्त के साथ उनके परिसंचरण के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर विशिष्ट अंगों एवं उत्तुकों के कार्यों का नियंत्रण एवं उनके बीच समन्वय स्थापित करते हैं ये आप हार्मोन क्या है या उसकी परिभाषा क्या है या कभी आपको पूछता है कि किसी पर्टिकुलर ग्लैंड और हार्मोन के बारे में पूछता है तो बोर्ड में एग्जाम में हमें कुछ और एक्स्ट्रा लिखकर जो है वो हम ये प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि प्रभाव जो है वो अच्छा पड़ता है तो ये हार्मोन्स की बात की अब हम पर्टिकुलर कुछ ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित हार्मोन उनका कंट्रोल कैसा हो रहा है उसकी बात करते हैं तो चलिए अब एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं हमने अभी एंडोक्राइन uh, ग्लैंड में एक नाम देखा सुना था पेनक्रियाज था यानी अग्नाशय था ये अग्नाशय कहाँ होगा आप जानते हो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने इसको पढ़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियाज होता है इसके द्वारा जो है एंजाइम सीक्रेट होते हैं और इसके द्वारा एक हार्मोन और सीक्रेट होता है वो हार्मोन का नाम है इंसुलिन और इससे इंसुलिन से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं कि इंसुलिन का क्या काम है या इंसुलिन कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है तो अभी जो हम जिन भी हारमोन्स की बात करेंगे या उन आ, कौन से हारमोन किन ग्लैंड के द्वारा स्रावित हो रहे हैं इनकी बात करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से तो अभी हम जैसे इंसुलिन हारमोन की बात कर रहे हैं तो इंसुलिन हारमोन का क्या काम है आप जानते हो जब भोजन लेते हो तो भोजन का पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में बदलता है तो ग्लूकोज यहाँ हम जैसे आपने बुक में पढ़ा शक्कर का शक्कर वर्ड इसके लिए यूज़ किया गया है ग्लूकोज के लिए तो शक्कर का नियंत्रण हमारे बॉडी में यानी ब्लड में कितना होना चाहिए इसका नियंत्रण इंसुलिन हार्मोन के द्वारा होता है तो जैसे ही आ, जो हम ग्लूकोज ले रहे हैं वो ग्लूकोज ब्लड में चली जाती है और ब्लड में यदि एक्स्ट्रा है तो ये इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और वो लीवर में उसका जो है संग्रह हो जाता है या जमा हो जाता है तो यदि इंसुलिन हार्मोन कम है उसका सिक्रशन कम हो रहा है एक बात और हम आ, समझने का प्रयास करते हैं कि हार्मोन की हमने बात की कि ये अल्प मात्रा में इसके सिक्रेशन होता है लेकिन उसके बावजूद जिस मात्रा में उसका सिक्रेशन होना है उससे भी यदि ये कम होता है या ज़्यादा होता है तो कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं कौन कौन सी बीमारियाँ होंगी उसको देखते हैं जैसे अभी हम पेनक्रियाज में इंसुलिन की बात कर रहे हैं यदि इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन कम हो रहा है तो शक्कर यानी वो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी अब रक्त में ज्यादा हो गई तो ये किडनी के जरिए यानी वृक्क के द्वारा यूरिन Uh, के साथ ग्लूकोज़ जो है वो शरीर से बाहर आने लगता है और ये एक बीमारी है जिसको डायबिटीज़ कहते हैं या शुगर की बीमारी कहते हैं या शक्कर की बीमारी भी कहते हैं तो ये कब स्थिति आ रही है जब इंसुलिन हार्मोन कम मात्रा में सिक्रिट हो रहा है और जब ये ज़्यादा भी मात्रा में सिक्रिट होगा तब भी भयावह स्थिति हो जाती है यदि मान लो किसी व्यक्ति को इंसुलिन की ज़्यादा मात्रा वाला इंजेक्शन दे दिया जाए मतलब उसके शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई तब क्या होगा लीवर जो है उसका वो रक्त से ग्लूकोज को ले लेता है यानी वो शक्कर को ले लेता है और वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है क्योंकि इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा है तो अब क्या हुआ कि रक्त की रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई तो ब्रेन को भी ग्लूकोज या शक्कर नहीं मिल पाता है ये स्थिति बहुत भयावह हो जाती है तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी हार्मोन जिस ग्रंथि से स्रावित होता है पहली बात तो उसका उचित मात्रा में श्रवण जरूरी है और ये स्रावित होकर रक्त के द्वारा विभिन्न विभिन्न भागों में पहुंचता है विभिन्न अंगों में पहुंचता है लेकिन इसका नियंत्रण जो है वो तंत्रिका तंत्र में होता है यानी तंत्रिका को तंत्र के एक और हम ग्लैंड की बाद में बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड और उसको भी कंट्रोल करने वाला हाइपोथेलेमस है किस तरीके से ये कंट्रोल्ड वे में आ, कौन सी ग्रंथियाँ कितनी मात्रा में वो हार्मोन का सिकृषण करेंगी उनके नियंत्रण में होता है तो हमने ये एक पेनक्रियाज से श्रवित होने वाले इंसुलिन हार्मोन की बात की अब दूसरा एक और है पैराथायरइड की बात करते हैं अब एक और ग्लैंड की बात करते हैं पैराथायरयड ग्लैंड है आप देख रहे हो गर्दन में ये उपस्थित रहती है इसका काम क्या है ये पहली बात तो हम देखें कि पैराथार्मोन हारमोन ये सीक्रिट करती है और ये जो है रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है यानी रक्त में कैल्शियम कितनी मात्रा में रहेगा इसका नियंत्रण पैराथार्मोन हार्मोन के द्वारा होता है और यदि इसकी मात्रा कम सीक्रेट हो रही है यानी कम श्रवित हो रहा है तो क्या होगा रक्त में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाएगी क्योंकि इसका नियंत्रण इसके द्वारा हो रहा है अगर ये कम सीग्रेड हो गई तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी और क्या होगा मांसपेशियाँ तंत्रिकाओं में ऐठन होने लगेगी कंपन होने लगता है शायद हड्डियाँ जो है रक्त से कैल्शियम को सोखती हैं जिसके कारण रक्त में कैल्शियम की मात्रा क्या हो गई कम हो गई हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं दांत और हड्डियों का समुचित विकास नहीं हो पाता है क्योंकि ये मामला यहाँ किसकी बात कर रहे हैं कैल्शियम की बात कर रहे हैं तो ये होता है अल्पश्रवण से और यदि ज़्यादा ये स्रावित हो रही हैं तब क्या होगा हड्डियाँ गलने लग जाएंगी भंगूर हो जाती हैं कमजोर हो जाती हैं और एक बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस जिसका नाम आपने कभी सुना होगा या आसपास अपने किसी बुजुर्ग को देखा होगा तो ये इसके कारण होता है यानी कि पैराथार्मोन हारमोन का हाइपर सिक्रेशन की बात हो रही है यानी ज़्यादा मात्रा में सिक्रशन हो रहा है तब ये होता है और क्या हो सकता है तंत्रिकाएं पेशियां जो हैं इसमें कमज़ोर हो जाती हैं बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है और कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से क्या होगा किडनी में स्टोन होने का चांसेस बढ़ जाता है यानी संभावनाएं बढ़ जाती हैं तो ये कुछ बीमारियों की अभी हम जो भी बात कर रहे हैं ये आपने सुनी होंगी अब हम एक और ग्लैंड की बात करते हैं थाइराइड ग्लैंड ये भी आप देख रहे हो गर्दन वाले हिस्से में रहती है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन का श्रवण करती है थायरॉक्सिन हार्मोन इसके द्वारा श्रवित होता है शरीर में ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ऑक्सीडेशन की क्रिया को बढ़ाता है यानी मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है वो इस थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा श्रवित होती है उपापचयी क्रियाओं का ये नियंत्रण करता है शरीर के तापक्रम पर नियंत्रण करता है और स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है ये थायरॉक्सिन हार्मोन और यदि ये भी अपनी उचित मात्रा से यदि कम या ज़्यादा सीक्रेट होते हैं तभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कम सिक्रेशन से क्या हो सकता है व्यक्ति क्या होगा मोटा हो जाएगा मेटाबॉलिक रेट क्या हो गया धीमा हो गया और सुस्त हो जाता है हेल्दी है तो सुस्त हो जाता है आपने थायराइड नाम की एक बीमारी सुनी होगी एक्चुअली थायराइड नहीं रहती है उसको हाइपोथायरॉइडिज़म कहते हैं यानी ये थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका सिक्रेशन क्या हो रहा है कम हो जा रहा है तो ये थायराइड आम बोलचाल की भाषा में थायराइड बीमारी के नाम से बोला जाता है तो हाइपोथायरेडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म भी होता है यानी कम सिक्रेशन और ज़्यादा सिक्रेशन तो हाइपोथायरेडिज्म में क्या होगा व्यक्ति मोटा और सुस्त हो जाता है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट कम हो गया और बच्चों में यदि हम देखें तो इसकी मात्रा यदि कम हो जाती है तो क्या बीमारी हो सकती है जड़ वामनता हो जाती है वो बोने रह जाते हैं बच्चे क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन भी है ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या करता है एक प्रॉपर टाइम पर आप देखते हो कि हेल्थ हाइट बढ़ती जाती है आप देखते हो कि जो 12 साल की उम्र रहती है या आठ दस साल, दस साल की उम्र रहती है उसमें हाइट बढ़ते जाती है तो ये ग्रोथ हार्मोन रहता है यदि उस पीरियड में यदि प्रॉपर मात्रा में इसका सिक्रेशन नहीं हुआ तो ये प्रभावित कर देता है बच्चों में फिर वो कौन सी बीमारी आ जाएगी जड़वाम न था कि यह भी कहते हैं वयस्कों में ये मिक्सडीमा की बीमारी हो सकती है और एक और बीमारी जो है इससे रिलेटेड है वो गोइटर डिस्सीज है घेंगा रोग जिसको बोलते हैं तो यदि आयोडिन की कमी हो जाती है इसका भी कुछ संबंध थायरॉक्सिन हार्मोन से है तो वो गोयटेड डिसीज हो जाती है अगर हाइपर सिक्रिशन है मतलब ये ज़्यादा मात्रा में सिक्रिट हो रही है तब तो उल्टा हो जाएगा हमने पहले क्या बात की मोटा सुस्त हो जाता है दूसरे में हमने क्या बात करेंगे व्यक्ति दुबला पतला रहेगा और सक्रिय रहेगा बहुत ज़्यादा उसमें सक्रियता या एक्टिव हो जाता है उसका श्वसन दर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण क्या हो सकता है उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है चिड़चिड़ापन आ सकता है घबराहट होती है कमजोरी भी लगती है पसीना ज़्यादा आता है और शरीर में कंपन होने लगती है तो ये दोनों कंडीशंस की हमने बात की अब हम बात करते हैं कि कभी कभी कैंसर या कुछ अन्य स्थितियों में यदि ये थायरक्सिन थायराइड ग्लैंड को निकालना पड़ जाए जो थाइरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है तो उत, उस व्यक्ति को जो बीमार व्यक्ति है उसको उतनी ही उचित मात्रा में वो थाइरॉक्सिन हार्मोन को देना पड़ता है क्योंकि इसका हमने फंक्शन को देख लिया है इम्पोर्टेंट है तो यदि ये न, निकाल दिया गया तो उतनी मात्रा में देना पड़ता है पर यदि उल्टा यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है जिसकी थायराइड ग्लैंड काम कर रही है थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रिट हो रहा है और यदि उसका उसमें यदि ये थायरॉक्सिन हार्मोन दिया जाए तो क्या होगा तो होता क्या है कि उसकी अब थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन से करना बंद कर देती है तो जो दिया जा रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन बाहर से उसी के द्वारा ही वो उसका जो भी शरीर की जो गतिविधियाँ हैं वो संचालित होती हैं तो ये हमने देखा कि किस तरीके से कुछ उदाहरणों के जरिए कि कैसे हार्मोन का एक प्रॉपर क्वांटिटी होना चाहिए कम या ज़्यादा होने से कैसे बहुत सारी बीमारियां लेकर आ जाता है कुछ और उदाहरणों के द्वारा हम इसको और समझेंगे अब एक और ग्लैंड की बात करते हैं एडिनल ग्लैंड आप देख रहे हो किडनी के ऊपर अगले छोर पर ये एडिनल ग्लैंड जो है वो मौजूद है उपस्थित होती है और एडिनलिन हारमोन का ये सिक्रेशन करती है इसका कार्य क्या है इसको देख लेते हैं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज की बनने की क्रिया को ये उत्प्रेरित करती है और लवणों की मात्रा को भी संतुलित करती है इसको संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं यानी इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं वो क्यों कहते हैं आप कभी गौर किया होगा कि अचानक से सांप आ जाता है या अचानक से कोई ऐसी चीज़ आ जाती जिससे आप डर जाते हो तो डर के कारण क्या होता है कुछ चेंजेस आपको बॉडी में महसूस होते हैं जैसे हार्ट बीट बढ़ जाती है पसीना आने लगता है या रोंगडे खड़े हो जाते हैं घबराहट होने लगती है तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसका कंट्रोल कौन कर रहा है एडिनेलिन ग्लैंड करता है एडिनेलिन हार्मोन सीक्रेट होता है जिसके कारण ये सारी प्रतिक्रियाएं होने लग जाती हैं यानी डर के कारण ये सब चीज़ होने लग जाता है क्यों होता है क्योंकि उस डर से निपटने के लिए यानी जो एक कंडीशन आ गई तो हार्ट कब हार्ट बीट बढ़ जाता है अगर ये हार्ट बीट नहीं बढ़ेगा या कुछ और जो जिसकी हमने बात की पसीना नहीं निकलेगा या रोंगटे नहीं खड़े होंगे तो वो कुछ और भी हो सकता है यानी कुछ और विपरीत परिस्थितियाँ भी आ सकती हैं इसलिए उस स्थिति से निपटने के लिए ही ये इमरजेंसी हार्मोन होता है एडिनेलिन जो कि हमको इमरजेंसी पीरियड में यानी संकट की परिस्थितियों में हमें मुकाबला करने के लिए ये तैयार करता है और भी क्या होता है इसमें श्वसन दर भी बढ़ जाती है ब्लड क्लॉटिंग जो है इसमें कम समय में होती है और यदि हम इस हार्मोन की बात करें यदि ये शरीर में नहीं बन रहा होता है तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको प्रतिदिन थोड़ा नमक खिलाकर जीवित रखा जा सकता है आप गौर करिए यदि ये नहीं खिलाया जाता है तो मृत्यु भी हो सकती है तो ये एड्रिनल ग्लैंड की बात हुई